हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप से सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो मेरा नेल है वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ना तो ये टूट रहा है, ना तो ये टूटा है, ना ही ये स्टेबल है। ये बीच में अटक कर मेरी जान ले रहा, बार बार बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, ये बार बार स्किन पे लगे जा रहा है। चलो अभी फाइनली सोचा था कट नहीं करूँ, पर अब कट करना ही पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। कब से तो क्या मतलब आधा घंटा हो गया मैं ऊपर थी, मम्मी वगैरह को फ़ोन किया पर उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया आ जाए, तो अब नहीं आते दिख रहा है, तो मैं जा रही हूँ नीचे। फिर बाद में आएगा तो फिर मैं बात कर लूँगी। तो अभी बस बाय। और आप देख सकते होंगे मेरे इयररिंग्स ने पहने हुए हैं, क्योंकि मेरा एक इयररिंग था वो खो गया था, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। और दूसरे पड़े हुए हैं, दो तीन और घर पे रखे हुए हैं, पर उनका भी पेच जो है वो थोड़ा ढीला है, तो मैं अभी इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकती। पहले जो है उसके पेच वगैरह है वो मैं या तो दूसरे लाऊंगी या फिर जो टाइट अगर मिल जाते हैं तो फिर वो लगाऊंगी, अन्यथा मैं अभी ये नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली। तो या तो शाम को मार्केट जाऊँगी तब उसके पेच लेकर आऊँगी दूसरे, या फिर और कहीं रखे होंगे तो वैसे मैंने ढूंढे थे नहीं मिले थे, तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में जो है वो मैं इयररिंग वेयर करूँगी, उससे पहले नहीं वेयर करूँगी। चलते हैं नीचे। नीचे जाते ही ये हाथ में आ जाता है, इसको एक्चुअली ये सूती का है तो ये ज़्यादा सही लगता है कॉटन का दुपट्टा। ये मेरे को बहुत ज़्यादा सुहाता है, इसलिए मैं इसको हर ड्रेस के ऊपर जो है मैं इसको ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि गर्मी तो आप लोगों को पता ही है कितनी है। ओके, क्या से क्या हो गए देख लो, बाहर मौसम हो रहा है ना, कपड़े भी सूख रहे हैं आज धोए थे जो, तो मैं सोच रही हूँ पहले वो ले लेती हूँ, सुखाऊंगी इतनी देर में। तो हालांकि बारिश आने जैसा लग तो नहीं रहा है, बाद में लेती हूँ, अभी थोड़ी धूप भी आ रही है इस वजह से। चलिए तो चलते हैं। ओह शिट, अरे तो सस्ते वाले हैं वो, अपन लाते वो नहीं है ये। हाँ एवरीवन, तो अभी मैंने खाया है जस्ट खाना, और अभी मैं जा रही हूँ सैलून। चलिए अभी आ गई हूँ मैं मेरे सैलून, और आज जो है वो मेरे आए हैं स्पेशल क्लाइंट, और वो स्पेशल क्लाइंट है मेरे हस्बैंड, तो उनका करना है मुझे आज फेशियल। तो बहुत टाइम से हो रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, कोई ना कोई रहता है, तो फिर इन आप अभी जो है अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी जो है वो आपके मैं कर देती हूँ फेशियल। तो ये बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पे, आसन ग्रहण कर चुके हैं। बैठ के करूँगी, मतलब बिठा के करूँगी, बैठ के करूँगी क्या, ठीक है। पतिदेव चलिए चलिए जल्दी स्टार्ट करिए मैम, मेरे पास टाइम नहीं है। इतने कहाँ बिजी हो सर, जब हाँ तो जब अपनी स्किन केयर करवाने आते हो तो टाइम निकाल के आया करो, है ना। एक जावट लगेगी एक जावट लगेगी आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
करते हैं प्रिपरेशन। हाँ जी सर, कौन सा वाला फेशियल करवाना है आपको? कौन सा फेशियल करवाना है आपको? ये कराना है। बोलिए कौन सा? B10। B10 ये स्पैचुला मेरा बार बार पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलिए फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। तो सेकंड में ले रही हूँ स्क्रब। चलिए तो D10 फेशियल स्टार्ट। और इनके फेस पे थोड़ी टैनिंग हो रखी है क्योंकि ये धूप में भी रहते हैं, उस वजह से मैंने इनको सजेस्ट करा था D10 फेशियल और D10 मास्क, ताकि इनके फेशियल की सॉरी फेस की जो टैनिंग वगैरह है वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाए इनके। इसके लिए इनको लेनी पड़ेगी कम से कम 3 से 4 सेटिंग, फिर कहीं जाके इनका फेस जो है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Thank you.
पहले है क्लिंजर और अब मैं करने वाली हूँ D10 मास्क अप्लाई। मैंने लगा दिया है D10 मास्क और ये मैं रखूँगी 15 to 20 मिनट तक। उसके बाद में जो है वो फेशियल स्टार्ट करेंगे। इनका फाइनली फेशियल हो गया है कंप्लीट और अभी लास्ट पैक जो है वो मैंने लगा दिया है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, 3 बजने वाले हैं, सोने का टाइम है, तो बस इनको फ्री करके फिर जो है मैं सोने जाऊंगी। ओके, आराम से नींद ले रहे हैं, इनको नींद आ गई है। Thank you.
के साथ होता है इनका फेशियल कंप्लीट। सी द रिजल्ट, कैसा लगा? रिलैक्स हो गया। तो चलिए अब मेरी रिलैक्स होने की बारी है और अब आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। ये आपकी चेन पड़ी हुई है, ये फिर रहने तो शाम को वाइंड अप करूँगी। वो पानी में गिरा के आ गई। 20-25 दिन बाद में एक बार और कर दूँगी। चलो अब आ जाओ जल्दी से, मैं जा रही हूँ सोने। और जो भी अपना पेमेंट हुआ है वो यहाँ रख के जाना, ठीक है? ये तो रख दो, पेमेंट वहाँ रख के जाना। हाँ, ये सोने की चेन रख दो। नहीं, चेन वेन तो रखो आप। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में और सिर बहुत भारी होने लग गया है क्योंकि सोई नहीं इस वजह से। तो अभी है मेरे सोने का टाइम, 3:30 बज रहा है। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय टाटा। उसके बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद फिर मैं उठी और नीचे गई। नीचे जाके फिर मैंने जो है वो कॉफ़ी चढ़ाई मेरे लिए, राहुल के लिए, और पास में मैंने एक और कॉफ़ी चढ़ाई टीना दीदी के लिए। उसके बाद में पहनूंगी।